जी अब हम जिस टाइप ऑफ रिटेलर की डिस्कशन करने लगे हैं वो है बॉक्स स्टोर यानी कि बिग बॉक्स रिटेलर इस तरह के रिटेलर जो हैं वो मोस्ट ऑफ़ द केसेस के अंदर मेगा स्टोर्स भी कहलाते हैं नॉर्मली अगर आप नोटिस करें तो बहुत बड़े बड़े ग्रे स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे जो कि इस तरह के स्टोर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं ये स्टोर्स इन जनरली दे आर लार्ज स्टेबलिशमेंट्स जो कि आपको पाकिस्तान के अलावा दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के अंदर ऑलमोस्ट नज़र आएंगे इस तरह के स्टोर्स इन जनरली पचास हज़ार स्क्वायर फिट से लेकर टू हंड्रेड थाउजेंड फिट यानी कि दो लाख स्क्वायर फिट तक के साइज़ के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और नॉर्मली अगर आप नोटिस करें तो इस तरह के स्टोर्स एक ऐसे बॉक्स की शक्ल में होते हैं जो कि एक सिंगल स्टोरी होता है और देखने के अंदर एक बिल्कुल बिग बॉक्स की लुक दे रहा होता है इस तरह के स्टोर्स की अगर मैं आपको कैटेगरीज़ बताऊँ तो दो तरह की कैटेगरीज जो हैं वो मौजूद हैं सबसे पहले वो जनरल मर्चेंडाइज़ बेस्ड स्टोर्स हैं और दूसरी तरह के स्टोर्स स्पेशलिटी स्टोर्स हैं अगर हम स्पेशलिटी स्टोर्स की बात करें जो कि एक नॉर्मली न्यू कॉन्सेप्ट है बॉक्स बिग बॉक्स स्टोर्स के हवाले से या इस तरह के स्टोर्स के हवाले से तो इस तरह के स्टोर्स नॉर्मली एक स्पेसिफिक कैटेगरी को किसी स्पेशलिटी को सेल कर रहे होते हैं जिस तरीके से बुक्स की बात हम कर लेते हैं जिस तरीके से हार्डवेयर की एक एग्जांपल हमारे पास है जिस तरीके से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात भी हो सकती है शूज़ की एग्जांपल की बात हो सकती है ये वो तकरीबन तमाम तरह की कैटेगरीज हैं जो कि इस तरह के मेगा स्टोर्स के अंदर सेल होती हैं अगर हम स्पेशलिटी स्टोर्स की बात करें सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्पल आपको शेयर करता हूँ लेट्स से हार्डवेयर स्टोर के हवाले से कोश्ताज की एग्जाम्पल वन ऑफ द वेरी गुड स्टोर्स टर्की के अंदर बहुत तेज़ी से और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी काम कर रहा है दे सेल डू इट योर सेल्फ प्रोडक्ट्स इस तरह के स्टोर्स जिस तरीके से इस एग्जांपल से हमें आइडिया है कि अपनी साइज़ के हवाले से दे आर ह्यूज इनफ और कोछताछ एक वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स में से मौजूद है इसी तरीके से अगर हम बुक स्टोर की एग्जांपल की बात करें तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रीडिंग्स की एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है अगेन इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है जिसको हम बॉक्स स्ट्रक्चर कहते हैं और उस तरीके से वो लाहौर के अंदर दे आर वर्किंग वेरी गुड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से हमारे पास गोमे इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल हमारे पास मीडिया मार्केट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ये इस तरह के स्टोर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट एक डेढ़ लाख स्केयर फिट के एरिया के ऊपर मुश्तमिल हैं और ये स्टोर्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइंसिस को सेल कर रहे हैं नॉर्मली इस तरह के बॉक्स स्टोर्स अगर जनरली ड्राई गुड्स को सेल कर रहे हों तो उसको हम कुछ और तरीके से कैटेगराइज करते हैं यानी कि उसको हम अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर के तौर पर भी कंसिडर करते हैं इसी तरीके से अगर यही बॉक्स स्टोरस अगर ये सेल कर रहे हों हमारे पास किसी भी एक स्पेशलिटी को एक पर्टिकुलर कैटेगरी को फोकस कर रहे हों तो इनको हम कैटेगरी किलर्स भी कहते हैं कैटेगरी किलर्स की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं और अभी हम उसको हम वन बाय वन करके डिस्कशन में भी लेकर आते हैं नॉर्मली कैटेगरी वो उस तरह के रिटेलर्स होते हैं जो कि प्रॉपर एक पर्टिकुलर कैटेगरी को फोकस कर रहे होते हैं और वो स्पेशलिस्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी इसी तरीके से हमारे पास अगर वही स्टोर एक बॉक्स स्टोर है और वो ग्रॉसरीज़ को सेल कर रहा है तो नॉर्मली इस तरह के बॉक्स स्टोर्स हाइपर मार्केट भी कहलाते हैं इस तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास हाइपर मार्केट के हवाले से भी मौजूद हैं जिस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं लूलू हाइपर मार्केट की तो इज़ वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स बॉक्स स्टोर के हवाले से मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कुछ एग्जांपल्स जो कि बॉक्स स्टोर्स को इंटरनेशनली वन ऑफ द फेमस एग्ज़ाम्पल्स में से हैं नंबर वन इज़ द बेस्ट बाय की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है इसी तरीके से वॉलमार्ट इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल कैटेगरी किलर की कैटेगरी के अंदर भी और बिग् बिग बॉक्स ओवरऑल की कैटेगरी के हवाले से भी टारगेट स्टोर इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एग्ज़ाम्पल्स पूरे यूरोप के अंदर के हवाले से भी इसी तरीके से मीडिया मार्केट की मैंने भी एग्ज़ाम्पल दी

अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इन्हीं तमाम एग्जांपल्स को जो मैंने आपके सामने रखी हैं आपने वन बाय वन उसको इस पर्सपेक्टिव में अपने सामने से उतारना है कि क्या ये बिग बॉक्स स्टोर जो है ये हाइपर मार्केट के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा है या ये स्टोर जो है ये क्वालिफाई करता है किसी एक स्पेशलिटी स्टोर के हवाले से या एक किसी डिपार्टमेंट स्टोर के हवाले से तो आपको ये हेल्प करेगा समझने में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से